साइंटिस्ट हो गए सर, हर 2 घंटे में तकरीबन जो है 10 टेस्ट हो जाते हैं। थियोरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल करते हैं तो 5-6 हो पाते हैं टेस्ट, 8वां टेस्ट। यूनिकास्ट बिहेवियर ऑफ आर आई, यूनिकास्ट बिहेवियर ऑफ आर आई, F0/0 और ये कनेक्टेड है स्विच से और यहां से कनेक्टेड है R3, R4 R3 है F0/0, R4 है F0/0, R5 है F0/0। R1 के फास्ट ईथरनेट पे जो IP है 10.1.1.1, F0/0 के ऊपर 1.1.1.1, .5 के ऊपर 1.1.1.5, .4 के ऊपर R4 के ऊपर .4 और यहां पर 1.1.1.3। इस डायग्राम में अगर हम लेट्स से रिफ वर्जन 1 इंप्लीमेंट करें या 2 इंप्लीमेंट करें, इन बोथ दी कंडीशन R3, R4 और R5 के ऊपर जो राउट्स डिस्प्ले होगा R से, वो कितने राउट डिस्प्ले होंगे? After the implementation of the RIF version 1 or 2, R3, R4, R5 के ऊपर शो IP राउट से कितने राउट डिस्प्ले होंगे? ये बोलें, हाँ जी, बोलें भाई, जल्दी बोला करें, इसमें क्या रह गया समझने के लिए? जी, ऐसी कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही भाई इसके अंदर? R1 BMA टाइप नेटवर्क से कनेक्टेड है, कौन सा R3 पे सर, जैसे 10 का ही आएगा तो R3, R4, R5 के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक ही नेटवर्क आएगा। अगर हम RIF वर्जन 1 का इस्तेमाल करते हैं पूरे सिनारियो में, तो RIF वर्जन 1 क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है, यानी वो भेजेगा 255.255.255.255 से अनाउंसमेंट करेगा ब्रॉडकास्ट के थ्रू। और अगर रिप वर्जन 2 हम भेजते हैं तो वो क्या कर देगा? मल्टीकास्ट करेगा, 224.0.0.9 से करेगा, राइट? अपडेट जब भेजेगा यहाँ पे तो आया ब्रॉडकास्ट भेजेगा या मल्टीकास्ट भेजेगा, और इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि भाई रिप वर्जन 1 जो है ब्रॉडकास्ट से अपडेट करता है, रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट से करता है। तो डू वन थिंग ऑन दी R1 के ऊपर एक हम कमांड चला देंगे डीबग आई पर, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो डीबग आई पर अगर कमांड चला दिया जाए तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा कि रिफ वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता है जब रिफ वर्जन 2 मल्टीकास्ट करता है, राइट? तो अब यहां से चाहे ब्रॉडकास्ट करे मल्टीकास्ट करे, बहरहाल आंसर ये है कि जो ये रूटर है आपके पास R3, R4 और R5, चाहे R3 हो या R4 हो या R5 हो, इन सब के ऊपर जो आउटपुट आने वाली है वो केवल ये होगी 10.0.0.0/8, 120/1 और वाया होगी 1.1.1.1। इन तीनों के ऊपर ये आउटपुट 100% सेम होगी, क्योंकि सबके ऊपर अनाउंसमेंट जा रहा है। रिवर्जन 1 चल रहा है तो 1 समझते हैं सारे, 2 चल रहा है तो 2 समझते हैं सारे, बट हमारा टास्क है
यूनिकास्टिंग करना, यूनिकास्ट बिहेवियर। हमारा टास्क ये है कि हम ये चाहते हैं कि R1 से जब अपडेट आए, यानी जब ये अपडेट यहां पर पहुंचे, तो चूंकि बीएमए टाइप नेटवर्क है, ब्रॉडकास्ट मीडियम तो है, कानों तक तो इनके ही पहुंचेगा, आवाज तो जाएगी, बट ये अपडेट केवल इसको आना चाहिए, यानी ये एरो ये दिखा रहा है कि इसकी राउटिंग टेबल में मौजूद हो, यानी हम भेजना चाहते हैं केवल एक को। बाय डिफॉल्ट अगर ये ब्रॉडकास्ट करता है सारे सुनते हैं, मल्टीकास्ट करता तो ये वर्जन 2 के सारे सुनते हैं, बट वी वांट टू सेंड दी इंफॉर्मेशन ऑफ 10.0.0.0/8 ओनली ऑन R5। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या होगा, यूनिकास्टिंग हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट रिवर्जन 1 क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, रिवर्जन 2 मल्टीकास्ट करता है, बट दोनों से ही हम यूनिकास्ट करा सकते हैं, दैट इज बाय डिफॉल्ट, दैट इज बाय डिफॉल्ट। बट रिवर्जन 1 से भी और 2 से भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिकास्ट करा सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सिर्फ केवल इसको भेजने का है, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस करने के लिए, हम R1 में चले जाएंगे, R1 रूटर में जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे config t, और config t में जाने के बाद विल राइट हियर राउटर RIP रेट, और उसके बाद हम लिखेंगे PASSIVE पैसिव हाइफन इंटरफेस F0/0, इसको हमने पैसिव बना दिया। राउटिंग अपडेट तो यहाँ पे भी जा रहे हैं, बट हमने अब पैसिव का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम पैसिव इंटरफेस का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे ही पैसिव लगाएं, वो डिस्कशन वहाँ पीछे कर चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिकास्ट बिहेवियर। तो अब यूनिकास्ट बिहेवियर के लिए जो कमांड चाहिए, राउटर है, पैसिव इंटरफेस कर दिया इसको, ऐसा करने से क्या होगा, अपडेट विल नॉट गो एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं आएगा, सारी जगह आना बंद, ऐसा करने से अपडेट यहाँ नहीं बंद, ऐसा करने से अपडेट यहाँ नहीं बंद, यहाँ नहीं बंद, बट हम चाहते हैं यूनिकास्ट बिहेवियर, तो क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं ये कमांड सीधा यहाँ पर आए, अपडेट यहाँ पहुंचे, यानी ये यूनिकास्ट, यानी यहाँ लिखेंगे नेबर NEIGH, आपका सिर्फ जो दोस्त है 1.1.1.5 सिर्फ इतना करना है। इसके बाद इफ यू आर रनिंग दी कमांड ऑन R5, सॉरी R1 पे कमांड चलाते हैं डीबग आईपी रिप, तो आप देखेंगे डीबग आईपी रिप के अंदर जो अपडेट जाएंगे उसमें लिखा होगा सेंडिंग अपडेट, और सेंडिंग अपडेट में नाम किसका होगा, सिर्फ 1.1.1.5 का, तो जिसका नाम है उसी के पास जाएंगे, बाय डिफॉल्ट हर एक पर जा रहे थे। तो अब R4 की राउटिंग टेबल में कोई राउट नहीं होगा, R3 में कोई राउट नहीं होगा, याद रहे एक चीज, यहाँ कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा, आपने जब पैसिव लगाया तो इनकी राउटिंग टेबल से नहीं निकला है, वी रिमेंबर, If you are making the any interface passive, तो जो राउटर रिसीव करें उनकी राउटिंग टेबल से डिलीट नहीं हुआ है, दैट इज एग्जिस्ट, मौजूद है, पैसिव आपने लगा दिया, राउटिंग टेबल में मौजूद है, कब तक, 240 सेकेंड तक, 30 सेकेंड बाद रिफ्रेश होता है, वी आर नॉट सेंडिंग द अपडेट, मौजूद है। तो ये डिवाइसेस कैन एक्सेस टू 10 अप टू दी, कब तक, इनवैलिड होने से पहले पहले, यानी 180 से पहले पहले तक बात कर सकती हैं, 180 की बात तो इनवैलिड जोन में चली जाएगी, 240 होते ही फ्लश हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री आता नहीं कि आपने लगा दिया सर पढ़ा तो ये आपने दुखा था कि नहीं पढ़ा होना चाहिए, तो ऑल्सो चेक दी टाइमर ऑन दी राउटिंग अपडेट, इनका टाइमर 30 सेकंड से ऊपर होगा तो या तो खुद निकल जाए 240 सेकंड के बाद, या निकालना है तो क्लियर आई पी, तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर चला देंगे कमांड R3 के ऊपर एंड R4 के ऊपर चला देंगे क्लियर आई पी राउट स्टार, तो इमीडिएटली निकल जाएगा क्लियर आई पी राउट स्टार, तो राउटिंग टेबल क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, तो हम R5 के पास ही होगा और कहीं मौजूद नहीं होगा, नोट करेंगे।